हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीतामढ़ी में भी बाढ़ ने खासा कहर बरपाया है। सीतामढ़ी में नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब गया है। हाईवे बाढ़ में गुम हो गया तो लोकल लोगों के लिए आने जाने की समस्या तो खड़ी होनी ही थी। लोग बाढ़ में डूबी सड़क पर अनुमान के आधार पर चल रहे हैं, वो भी बड़ा जोखिम उठाकर। सड़क पर दरिया उफन रहा है, बुजुर्ग साइकिल लेकर उतर पड़ा है। डगमगाते कदमों से उफनती लहरों से संघर्ष जारी है। अब ये जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां कल तक सड़क थी वहां बाढ़ का पानी चढ़ गया है, लिहाजा ट्रैक्टर वाला वैसे ही पानी में उतर पड़ा और हिचकोले खाता हुआ उफनती बाढ़ को पार कर गया। ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी जिले की हैं, जहां नेपाल के महेंद्र राजमार्ग को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे संख्या 104 का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। देख रहे हैं पूरा फसल बर्बाद हो गया और आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। बोले तो ट्रैक्टर से लोग पार करता है जान जोखिम में डाल के। अब आगे आप देख ही रहे हैं, एक तो 3 महीना लॉकडाउन था, दूसरे बाद बाहर से जो मजदूर आए उनको काम नहीं आया, एक पर बाढ़ का परेशानी, एक तो कोरोना वायरस, समस्या ही समस्या है। आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लिहाजा लोग इस तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। ये देखिए पानी के तेज बहाव में लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर रास्ता पार करने को मजबूर हैं।